गोरी आंटी, आप हमारी खीर दे दो जो माँ ने आपको आपके फ्रिज में रखने के लिए दी थी, वो मुझे खानी है। कौन सी खीर और किस खीर की बात कर रही हो तुम? वो खीर तो मैंने अपने फ्रिज का किराया समझकर खा ली, अब तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर तो गुड़िया रोने लग जाती है। गोरी आंटी आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो आप। आपने मेरी फेवरेट खीर खा ली, वो माँ ने मेरे लिए कितनी प्यार से बनाई थी, आप बहुत बुरी हो। ये कहकर गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, गरम गरम खीर खाने का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए क्यों ना हम इसे ठंडी कर खाएं? हाँ गुड़िया, सुबह नाश्ते में हम ये ठंडी ठंडी खीर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मगर गुड़िया हमारे पास तो फ्रिज ही नहीं है, तो हम ये खीर ठंडी कैसे करेंगे? मम्मा मम्मा, हम ये खीर गोरी आंटी के फ्रिज में रख देते हैं और जब ठंडी हो जाएगी तो सुबह में ले आऊंगी। हाँ गुड़िया, हम ऐसा ही करते हैं, आप जाओ और ये खीर गोरी आंटी के फ्रिज में रखाओ। मम्मा आप जाएं, क्योंकि अभी ये खीर गरम गरम है और मुझसे गिर भी सकती है। चलो ठीक है, मैं ही जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया खीर का भरा हुआ बड़ा बर्तन लेकर गोरी के घर आती है। गोरी बहन, मैंने ये खीर बनाई है, लेकिन गुड़िया कह रही है कि वो ये खीर ठंडी कर खाएगी, तो क्या आप ये खीर अपने फ्रिज में रख लोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ये फ्रिज अपना ही समझो, मैं अभी से रख दूंगी। कालू कौबा अपने घोंसले में सोया हुआ था, लेकिन खीर की बात सुनकर वो भी उठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जब मैं छोटा था तब मेरी दादी भी मुझे खीर ठंडी कर ही देती थी, ठंडी खीर तो बड़े मजे की लगती है। अच्छा गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर चिड़िया गोरी कौबी के फ्रिज में अपनी खीर रखकर वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, उसमें से थोड़ी खीर जरा मुझे तो दो, मैं भी तो चखकर देखूं कि वो खीर मीठी भी है या फिर नहीं। कालू तुम चुप करके सो जाओ, और जिसने खीर बनाई है उसने मीठा भी चख लिया होगा। फिर गोरी कौबी खीर को फ्रिज में रख देती है और सोने का नाटक करती है। मम्मा मम्मा, कल सुबह आप मुझे जल्दी उठा देना, मैं जाकर खीर ले आऊंगी, और आप बादाम काट लेना, कल का नाश्ता तो बहुत स्पेशल होने वाला है। ठीक है गुड़िया, अब तुम सो जाओ, कहीं सपने में भी खीरी ना देखती रहना। फिर गुड़िया सो जाती है और मम्मा चिड़िया भी अपने घोंसले में लेटी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ आधी रात को गोरी कौबी उठकर बैठती है। कालू तो अभी गहरी नींद में सो रहा है, मैं उसमें से थोड़ी खीर खा लेती हूँ, अब तो वो ठंडी हो गई होगी, और वैसे भी अगर मैं उसमें से थोड़ी खा लूंगी तो कौन सा चिड़िया को पता चलेगा। फिर गोरी कौबी आकर खीर खाने लगती है और कालू कौवा तो खर्राटे लेकर सो रहा था। खीर खाने के बाद गोरी कौबी बर्तन को हिलाकर खीर बर्तन में बराबर कर देती है। थोड़ी सी खीर खाने से तो चिड़िया को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर गोरी अपने घोंसले में आकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद कालू कौवे की भी आँख खुलती है। वो तो गोरी के पास आकर देखता है तो गोरी तो सो रही थी। गोरी तो सो रही है, अगर मैं चिड़िया की थोड़ी सी खीर खा लूं तो किसे पता चलेगा। फिर कालू कौबा आकर खीर खाने लगता है और खीर खाने के बाद वो जाकर सो जाता है। कालू कौबा ने जी भरकर खीर खा ली थी और फिर अभी सुबह नहीं हुई थी कि गोरी कौबी फिर से जाग जाती है और उसे फिर से भूख लगती है, तो वो फिर से आकर फ्रिज खोलती है। मैंने तो इसमें से थोड़ी सी खीर खाई थी, फिर ये बर्तन इतना खाली क्यों लग रहा है? शायद मैं भूल रही हूँ, मैंने खाली होगी। ये कहकर गोरी कौबी खीर खाने लगती है और वो खीर खाती है कि थोड़ी देर में पूरा बर्तन खाली हो जाता है। ये क्या हुआ, खीर तो खत्म हो गई। गोरी ने अभी फ्रिज बंद नहीं किया था कि कालू जी भी वहाँ आ जाता है।
पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चिड़िया की खीर खा रही हो। कालू जी बहुत बुरा हुआ, अभी मैंने थोड़ी ही खीर खाई कि पूरा बर्तन खाली हो गया, अब मैं चिड़िया से क्या कहूँगी। गोरी थोड़ी सी मैंने खाई और थोड़ी सी तुमने खाई तो बर्तन तो खाली होना ही था। क्या कहा, तुमने भी चिड़िया की खीर खाई थी? जब तुमने पहली बार आधी रात को खीर खाई थी तब मैं तुम्हें देख रहा था। गुड़िया गुड़िया बेटी उठो और गोरी आंटी से खीर ले आओ। गुड़िया तो पहली ही आवाज में उठ जाती है और जल्दी से गोरी आंटी के घर जाती है। गोरी आंटी हमें खीर दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। गुड़िया गुड़िया जाकर अपनी मम्मा से कहना कि रात को गोरी आंटी के फ्रिज को बहुत भूख लगी थी, इसलिए तुम्हारी सारी खीर हमारा फ्रिज खा गया है। ये सुनकर तो गुड़िया रोने लग जाती है। गंदा, बहुत गंदा है गोरी आंटी, आपका फ्रिज कम से कम थोड़ी तो रख लेता। ये कहकर चिड़िया रोती अपने घर चली जाती है और जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। झूठी लालची कौबी खुद ही खा गई होगी उस खीर को और कहती है कि फ्रिज खा गया। गुड़िया बेटी, फ्रिज भी भला खीर खा लेगा, वो तो बेजान होता है। मम्मा मम्मा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गरम गरम खीर ही खा लेती। गुड़िया बेटी आप चिंता ना करें, इस बार तो मैं उन काले कौवों से बदला जरूर लूंगी। फिर दो दिन बाद चिड़िया गोरी और कालू से कहती है, गोरी बहन आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो क्यों ना आज हम गरम गरम समोसे खाएं। समोसों का तो सुनते ही गोरी और कालू के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ चिड़िया, हम समोसे मिलकर बनाते हैं और फिर बाद में मिलकर ही खाएंगे। लेकिन ना तो मेरे पास आलू है और ना ही मिर्च मसाला, मेरे पास तो बस नमक है। चिड़िया हम सब ले आते हैं और हमारे घर में समोसे बनाने का सारा सामान है। फिर गोरी और कालू घर जाते हैं और सारा सामान लेते हैं। मम्मा मम्मा, आज अच्छा सबक मिलेगा इन काले कौवों को। फिर गोरी और कालू सारा सामान ले आते हैं। गोरी आलू वाल लेती है और चिड़िया समोसे बनाती है। चिड़िया मैं दो लूंगा दो। कालू भैया दो क्या, आप तीन ले लेना, लेकिन जब तक समोसे ठंडे होते हैं, गोरी और कालू आप दोनों जाकर थोड़ा पुदीना ले आओ, पुदीना की चटनी के बिना समोसों का क्या मजा। चिड़िया पुदीने का क्या है, हम अभी पुदीना ले आते हैं। फिर गोरी और कालू दोनों पुदीना लेने चले जाते हैं। जब वो दोनों चले जाते हैं तो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी पुदीने की चटनी कहाँ है? मम्मा ये देखें, मैंने यहाँ छिपा कर रखी हुई है। तो फिर लाओ और शुरू करो। फिर वो दोनों माँ बेटी जी भर कर समोसे खाती हैं और वो तो सारी समोसे खा जाती हैं और फिर सो जाती हैं। जब कालू और गोरी पुदीना लेकर वापस आते हैं तो कढ़ाई में एक भी समोसा नहीं था। चिड़िया चिड़िया सारे समोसे कहाँ गए, कढ़ाई में तो एक भी समोसा नहीं है। मैं और गुड़िया तो सो गए थे, शायद समोसे कढ़ाई नहीं खा लिए होंगे। चिड़िया चिड़िया क्या तुम पागल हो गई हो, कढ़ाई भी कहीं समोसे खा सकती है, ये तो बेजान बर्तन है। हाँ कालू, जैसे आपके फ्रिज को बहुत भूख लगती है वैसे ही मेरी कढ़ाई को भी बहुत भूख लगती है, इसलिए उसे जो मिलता है वो खा लेती है। ये सब सुनकर कौवा और कौबी सब समझ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिल्दी हमें छोड़ दो, चिल्दी प्लीज हमें छोड़ दो, हम आज के बाद आपके आम कभी नहीं चुराएंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। अच्छा तो अब मैं समझी कि तुम दोनों ही हमारे आम चुराते थे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो दोनों चील बहनें मिलकर उन दोनों को बहुत मारती हैं।
जंगल में इस समय भोजन की काफी ज्यादा कमी आ गई थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक चील भी रहती थी, जिसके घर के बाहर एक आम का पेड़ था और उस पर काफी सारे आम भी लगे हुए थे। परंतु वो चील काफी ज्यादा कंजूस और जालिम थी। वो किसी भी पक्षी को एक आम तक भी नहीं खाने देती थी। चिड़िया भी अपने घोंसले में भूख की सताई हुई बैठी थी। हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भोजन कहाँ से लूंगी, और मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही है। चील भी अपने घोंसले की तरफ जा रही थी कि तब भी अचानक से उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और वो सीधा चिड़िया के घोंसले में आकर गिरता है। अरे ये क्या हो गया, मेरा चश्मा तो नीचे गिर गया और बिना चश्मा के तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा, और मुझे तो अपना चश्मा भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक काम करती हूँ, धीरे धीरे अपने घर चली जाती हूँ। ये चश्मा तो चील दी का है, ये चश्मा मैं उन्हें दे आती हूँ, वैसे भी ये चश्मा तो मेरे किसी काम का नहीं है। चिड़िया वो चश्मा लेकर चील की तरफ जाती है। कौन कौन है मेरे घोंसले के पास, कहीं कोई मेरे आम तो नहीं तोड़ रहा? नहीं नहीं, कोई आपके आम नहीं तोड़ रहा, मैं चिड़िया हूँ। मुझे आपका चश्मा मिला था, मैं वही देने के लिए आई हूँ। चश्मा? लाओ लाओ चिड़िया, वैसे भी बिना चश्मा के तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये ले चील दीदी। चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तो सोचा था कि अब मेरा चश्मा मुझे कभी नहीं मिलेगा। मांगो तुम क्या मांगती हो, तुमने मुझे मेरा चश्मा ला कर दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। चील दी, मैं 2 दिन से बहुत भूखी हूँ और जंगल में भोजन भी नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे एक काम दे दें तो मेरे उससे ही 2-4 दिन गुजर जाएंगे। ये लो, तुम एक काम ले जाओ और जब खत्म हो जाए तो दूसरा भी ले जाना, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। फिर चिड़िया वो आम लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कालू कौवा चिड़िया को अपने घोंसले में बैठा आम खाता देख उसके पास आ जाता है। चिड़िया तुमने ये आम कहाँ से ले लिया, जंगल में तो सिर्फ एक ही आम का पेड़ है, और वो भी उस चील का, वो तो किसी को भी अपने आम नहीं लेने देती। चील दी का चश्मा खो गया था और वो मुझे मिल गया, जब मैं उन्हें वो चश्मा देने गई तो उन्होंने मुझे आम दे दिया और ये भी कहा कि अगर ये खत्म हो जाए तो दूसरा भी ले जाना। ये सुनकर तो कालू बहुत जल जाता है। चिड़िया हम भूखे फिरे और तुम खाओ आम। ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और वो घर जाकर अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। कालू जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस बड़ी चील को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता। कालू जी हम एक काम करते हैं, हम उसके घोंसले के पीछे जाकर छिप जाते हैं और जब चील अपना चश्मा उतारेगी तो हम वहाँ से आम चुरा कर भाग जाएंगे। मुझे पता था कि मेरी पत्नी भूख का जरूर कोई उपाय निकालेगी। दूसरे दिन वो कौवा और कौवी ऐसा ही करते हैं, वो चील के घर के पास जाकर छिप कर बैठ जाते हैं। बहुत दिन हो गए हैं अपनी बहन से मिले हुए, अगर मैं ऐसी अपने आम के पेड़ को छोड़कर चली गई तो सभी पक्षी मेरे सारे आम खा जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी बहन को ही संदेश भेज देती हूँ कि वो किसी दिन आकर मुझसे मिल जाए। ये कहकर चील कुछ देर के लिए अपना चश्मा उतार कर एक तरफ रख देती है। कालू जी मौका अच्छा है, धीरे धीरे जाओ और किसी तरह उस चील के पास जाकर 2-4 आम तोड़ लाओ। फिर कालू कौवा तुरंत उस चील के पास जाता है। इसे तो सच में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से 2 आम लेकर चला जाता है और घर जाकर वो दोनों मजे मजे से खाते हैं। गोरी, अब तो हम हर रोज ऐसा ही करेंगे और ऐसे हमें आम चुराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। चिड़िया का आम भी खत्म हो गया था। चिल्दी ने कहा था कि आम खत्म हो जाए तो एक और आम ले जाना, मैं चिल्दी के पास जाकर एक और आम ले आती हूँ। फिर चिड़िया चील की तरफ जाती है। चील दी, मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि आपसे काम ले आती हूँ।
चिड़िया तुम आम ले जाओ, परंतु मेरा एक काम है, क्या तुम उसे कर दोगी? बताएं बताएं चिल्दी, क्या काम है? चिड़िया मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मेरी बहन आकर मुझसे मिले। मेरी बहन दूसरे जंगल में नदी के उस पार रहती है। तुम जाकर उसे मेरा संदेश दे आओ कि वो आकर मुझसे मिल ले और आम भी खा जाए। चिल्दी मैं आपका संदेश दे आती हूँ। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, ये लो तुम आम ले जाओ, परंतु कभी चोरी न करना, क्योंकि जो भी पक्षी आम चोरी करता है मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर चिड़िया आम लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो चील की बहन के घर की तरफ जाती है। उसे उसकी बहन के घर का पता पता था, इसलिए वो जल्दी वहाँ पहुँच जाती है। चिल्दी मुझे आपकी बड़ी बहन ने भेजा है, वो आपसे मिलने के लिए बहुत उदास हैं और वो आपको मिलने बुला रही हैं। बहन से मिलने के लिए मेरा भी मन बहुत उदास था, मैं कल आकर मिल लूंगी अपनी बहन से। गोरी और कालू तो आज भी छिपे बैठे हुए थे। जैसे ही चील अपना चश्मा उतारती है, गोरी कालू से कहती है, कालू जी एक दो आम खाने से मेरी भूख कम नहीं होती, इसलिए आज आप ज्यादा से आम ले आना। कालू फिर से चील के आम चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों आम चुराकर वहाँ से जा रहे थे कि तभी चिड़िया उन दोनों को आम ले जाते हुए देख लेती है। तब चिड़िया उन दोनों के पीछे उनके घर आती है। कालू भैया मैंने देख लिया है कि आप दोनों चील के आम चुराते हो। तो फिर क्या हुआ, अगर चील को बताया तो जान से मार दूंगी तुम्हें छोटी चिड़िया। मुझे क्या जरूरत है आपको बताने की, मैं तो बस आपको इतना बताने आई थी कि चिल्दी कह रही थी जो भी चोरी करता है उन्हें उन पक्षियों से सख्त नफरत है, अगर उन्हें आपके बारे में पता चल गया तो वो आपको बहुत मारेंगी। तुम जाओ, अगर हमें मार पड़ेगी तो हम खा लेंगे, और तुम अपनी ये चेंचे बंद करो, जाओ अपने घर जाओ। फिर चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और वो अपने घोंसले में बैठी आम खा रही थी कि कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन मैं भी बहुत भूखा हूँ, मुझे भी आम दे थोड़ा सा खाने को। लो लो कबूतर भैया आप भी खाएं। कबूतर भैया मैंने देखा कि कौवे चील के आम चुरा रहे थे, अगर चील को पता चल गया तो वो बहुत मारेगी उन्हें। चिड़िया तो कौन सा उन्हें पहली बार मार पड़ेगी, वो तो कई बार चोरियों की वजह से पिट चुके हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। रात को गोरी और कालू अपने घर में लेटे हुए थे कि गोरी अपने पति से कहती है, कालू जी रोज रोज चोरी करने से तो अच्छा है कि हम आज ही जाकर सारे आम तोड़ लाते हैं और फिर मेरी माँ वाले जंगल में जाकर मजे मजे से खाएं। मैं भी यही सोच रहा था, हम कल ऐसा ही करेंगे। और फिर दूसरे दिन चील की छोटी बहन भी चील से मिलने आ जाती है। छोटी मेरा मन बहुत उदास था, इसलिए मैंने चिड़िया से संदेश भेजा था। बड़ी मेरा भी आम खाने को बहुत मन था और मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी। छोटी तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर आम खाएंगे। फिर बड़ी चील नदी से पानी पीने चली जाती है और रोज की तरह कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। कालू जी आज तो चिल्दी के पास चश्मा नहीं है, लगता है कि उनका चश्मा कहीं खो गया है। कालू और गोरी को ये पता नहीं चलता कि ये तो चील की छोटी बहन है और बड़ी तो नदी से पानी पीने गई है। तो फिर आज तो हम सारे आम तोड़ लेंगे। फिर कौवा और कौवी चील के पास आते हैं। छोटी चील तो खामोश बैठी हुई थी। कौवा और कौवी वहाँ आकर आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगते हैं। उन दोनों को ऐसा करता देख छोटी चील देख लेती है और वो उन दोनों को आकर पकड़ लेती है। बेशरम कौवो चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चिल्दी आपको चश्मे के बिना कैसे नजर आ रहा है? वो मेरी बड़ी बहन है चश्मे वाली। तभी बड़ी बहन भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों बहनें कौवो को एक पेड़ से बांध देती हैं। तो जब मैं चश्मा उतारती थी तो तुम दोनों मेरे आम चुराते थे, अब मैं समझी।
आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। फिर चील उन दोनों की खूब पिटाई करती है। चिलती, एक बार छोड़ दो, फिर कभी इधर नहीं आएंगे। तभी चिड़िया भी वहां आ जाती है और वो चील से विनती करके कौवों को छुड़ाती है। चिड़िया, अगर ये कौवे मुझे दोबारा यहाँ नजर आए तो मैं जान से मार दूंगी इन कौवों को। ले जाओ अब तुम इन्हें यहाँ से। फिर ऐसे चिड़िया कौवों को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई हमारे साथ जैसा करता है, हमें भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया की खीर किसने खाई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।